अस्सलामु अलैकुम। बाय नाउ आप लोग मुझे जान ही चुके होंगे, मेरा नाम डॉक्टर अली अकबर है, माचिसवाला काउंसलिंग सेंटर का हेड हूँ और माचिसवाला डॉक्टर यूसुफ माचिसवाला इज अ प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री, उनका स्टूडेंट हूँ। और थोड़ा कुछ जो इल्म मुझे हासिल है मैं कोशिश करता हूँ आप तक कन्वे करने की। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ वो एटीट्यूड है। मैं आपको तफसील से समझाने की कोशिश करूंगा कि वो एटीट्यूड होती क्या है, कहाँ से आती है, उसका ओरिजिन क्या है, किस तरह उसको मेंटेन करना चाहिए, किस तरह उसको बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक इमारत के तौर पे होती है। उसको जब तक हम लोग अंदर बनाएंगे नहीं तब तक हम लोग उसको फोकस नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि समंदर के अंदर एक आइसबर्ग नाम की चीज़ होती है जिसको हम बर्फ़ का पहाड़ बताएंगे हमारी लैंग्वेज में, कि एक बर्फ का पहाड़ होता है वो समंदर की सतह के ऊपर जो होता है, जो हमको दिखता है, हमारी आंख से हम देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं विद अवर नेकेड आइज, वो एक लेवल होता है। उसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो समंदर की सतह के नीचे रहता है। जो समंदर की सतह के नीचे रहता है, पानी के नीचे जो मुझे दिखता नहीं है, जो आपको दिखता नहीं है, उसका जो परसेंटेज होता है वो 90% होता है, और जो आपको और मुझे दिखता है दैट इज 10% होता है। अब ये मैं यहां पे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि हमारी लाइफ के अंदर भी जो बिहेवियर आपको और मुझे दिखता है, या मेरा बिहेवियर आपको दिखता है, या आपका बिहेवियर मुझे दिखता है, वो 10% है, और जो सत्ता के अंदर, जो डॉक्टर अली अकबर के अंदर है, वो 90% है। वो 90% जो एटीट्यूड है मेरे अंदर जो है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो मेरे बिहेवियर, मेरे नॉलेज और मेरे स्किल के तौर पे बाहर आता है, लेकिन वो सिर्फ 10% है, ओनली 10%। अब मुझे ये देखना है कि जो मेरा जो बिहेवियर है, जो दिखता है आपको, दिखता है लोगों को, दिखता है, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी स्किल है आपको दिखती है, वो 10% ही है। अब वो 10% अच्छी दिखाने के लिए मुझे 90% जो मेरे अंदर है, जो पानी के अंदर है, जो मेरी आत्मा, मेरी रूह के अंदर है, हम मेरी जबान में अगर मैं नफ्स बोलूं तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन वो मुझे ही दिखता है, वो किसी और को नहीं दिखता है, और मुझे उसके ऊपर काम करना है। अगर मैं उसके ऊपर काम कर पाया तो मेरा 10% का जो बिहेवियर जो लोगों को दिखता है उसमें रिफ्लेक्शन आएगा और उसमें बिहेवियर अच्छा दिखेगा, मेरी स्किल नजर आएगी, मेरा नॉलेज नजर आएगा। लेकिन उस नजर आने के लिए, उस नजरिए के लिए, उस लोगों तक बात पहुंचाने के लिए मेरे अंदर जो 90% जो मेरा एटीट्यूड है उसके लिए बोले मुझे बनाना चाहिए। अब ये एटीट्यूड आता कहां से है? हर एक इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, अल्लाह ने उसको अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है। अब उसमें दो सतह बनाई, एक तो जिसे मैंने बताया कि आउटसाइड एंड एक इनसाइड। अब मुझे अगर अंदर बनानी है तो वो दुनिया की सारी लालच, दुनिया के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स, दुनिया की सारी बुराइयां, दुनिया की सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, जेलेसी, चुगलीखोर, चोरी, एक्स वाई जेड, आप पूरी सीरीज नाम की जितनी आप दे सकते हो उतनी दे दो, वो दुनिया में मौजूद है। उसके बरक्स, जस्ट अपोजिट, अच्छाइयां भी बहुत मौजूद है। अब मुझे 24/7 ये डिसाइड करना है बचपन से, या मेरे बच्चे को इस तरह की तालीम देनी है कि मेरी अल्लाह मियां ने मुझे सारी इंडिपेंडेंसी दे दी है, मेरे पे इट इज डिसाइडेड ऑन मी कि मुझे क्या एक्सेप्ट करना है, मुझे क्या लेना है समाज से, मुझे क्या लेना है सोसाइटी से, मुझे अगर एक इल्म में है तो इल्म में से मुझे क्या अच्छाइयां होती है। इल्म तो हमेशा अच्छा होता है, इल्म में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन हमारा परसेप्शन जो होता है हम उसको इस तरह से घुमा फिरा के हमारे सहूलत के हिसाब से ले लेते हैं कि उसकी जो परसेप्शन होती है उसका जो नतीजा होता है वो गलत कभी कभी आ जाता है। इट डिपेंड्स ऑन मी। मुझे डिसाइड करना है कि मेरे अंदर का जो 90% है जिसको हम एटीट्यूड का नाम देंगे,
एटीट्यूड 90% का किस तरह बनाना है मुझे, उस बनाने में मेरी वैल्यूज, कंसेप्ट, जजमेंट, मेरे मोटिव्स, मेरे एम्स, मेरी नीयत, मेरे उसूल और मेरी यकीन की सिस्टम है, उसको मैं किस तरह पॉजिटिव बनाऊं। अगर ये सारी चीज पॉजिटिव हो जाएगी तो मेरी सेल्फ एस्टीम, मैं अपने आप को अच्छा लगने लगूंगा, मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, मेरी सेल्फ डिग्निटी ऊपर आएगी। ये सारी चीजें अगर मेरे पास आई तो मेरे बिहेवियर के अंदर अच्छाइयां दिखेगी आपको। और अगर ये सारी चीजें मेरे पास है, सेल्फ एस्टीम मेरी हाई है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, मेरी वैल्यूज, मेरी नीयत, मेरे असूल और उसके बाद में मेरी यकीन की सिस्टम, अगर इसमें अच्छाइयां है तो कुदरतन कुदरतन मेरे अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होगी जिससे मैं आने वाले सारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता हूं। मेरे लिए बड़े से बड़ी जो थ्रेट होगी मेरे लिए अच्छी चैलेंज के तौर पे होगी। हां इंशाल्लाह कर लूंगा, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, यह थिंकिंग पैटर्न आएगी। जब यह थिंकिंग पैटर्न आएगी तो मेरे पास करेज आएगा, मेरे पास हौसला आएगा, और जब हौसला होगा तो मेरे लिए दरवाजे खुलेंगे विजडम के, इल्म के दरवाजे खुलेंगे, यहां से डर हट जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मुझे और आपको, मैं बताता हूं कि ये सारी चीज अगर अपने बच्चों को मैं दे पाया, आज का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही इजी है और बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर ये सारी चीजें अगर मेरे बच्चे को मैं दे पाया या मैं अपने अंदर प्रोसेस करके इंप्लीमेंट कर पाया, तब मेरी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी, बिकॉज पॉजिटिविटी होगी मेरे पास। और इसके अलावा मेरे पास चैलेंज हासिल, क्योंकि आज के बच्चे लोग की एजुकेशन उतना, ओह माय गॉड मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊंगा, आपकी यकीन की सिस्टम डगमगा गई। आपकी यकीन की सिस्टम कब डगमगा गई? अब जब उसूल पे नहीं होगे, अब उसूल पे नहीं होगे तो आपके मोटिव जो होगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपकी नीयत बहुत अच्छी है कि मुझे एसएससी में 99% लाने हैं, आपके असूल कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं और आपकी यकीन की सिस्टम जो है उसमें स्ट्रांगनेस नहीं आएगी जब तक ये पॉजिटिविटी नहीं आएगी। अगर ये पॉजिटिविटी आपने अपने बच्चे में डाल दी कि बेटा ठीक है, तब उसके अंदर चैलेंज होगा, हाँ 95% लाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कर पाऊंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मेहनत करूंगा। और ये मेहनत करने के बाद में उसके अंदर ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की क्षमता आएगी, हौसले बुलंद होंगे उसके, उसके बाद में लक फेवर्स दोज हू वर्क्स हार्ड, ये यूनिवर्सल लॉ है। और उसका इंपैक्ट आएगा ही, बिल्कुल इंपैक्ट आएगा अपने बिहेवियर के ऊपर। अगर इंपैक्ट नहीं आया तो मुझे अंदर देखना है मुझे 90% में कहां करेक्शन करना है, कहीं ना कहीं करेक्शन बाकी रह गया है। अगर करेक्शन हुआ फौरन रिफ्लेक्शन आएगा मेरे बिहेवियर के अंदर, अगर बिहेवियर के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं आया है, मेरा एटीट्यूड अंदर से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, मेरे एथिक्स में प्रॉब्लम है, बिलीफ में प्रॉब्लम है, मोटिव में, मेरे वैल्यूज हो गए ही अपने, वैल्यूज आएगी ही डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन आएगी जब तुम्हारे पास मिशन होगा, जब मिशन को एक्सेप्ट करोगे, जब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने आपको कि दिस इज माय वीकनेस एंड दिस इज माय स्ट्रेंथ। ये बहुत ही छोटी बात है, मेरे लिए बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके ऊपर 24/7 आपको काम करना है। और आज के बाद अपने बच्चे जितने भी एजुकेशन लेते हैं उसको यह चीज बतानी है, उसको यह चीज प्रोसेस करनी है उसके दिमाग के अंदर कि यस बेटा आज की चैलेंजिंग वर्ल्ड है, उसमें हौसला करके आगे बढ़ो, विजडम तुम्हारा साथ देगी, लक तुम्हारा साथ देगा, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा, इमाम जमाना तुम्हारे साथ देंगे। इसके बाद में आपको करना पड़ेगा, काम बहुत करना पड़ेगा। मैं आपको दूसरी स्लाइड बताऊं, ये जैसे हम जो अदद गिनते हैं,
तो मैंने भी इस तरह के थोड़ा कैलकुलेशन किया हूं, a इक्वल टू वन, b इक्वल टू टू, c इक्वल टू सी थ्री, d इक्वल टू फोर, ऐसा स्किल देखो आपकी तो 82 मार्क्स मिलेंगे उसको, नॉलेज को 96 मार्क्स मिलेंगे, हार्ड वर्क को 98 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन एटीट्यूड को आप देखो उसको काउंट करो तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। आपको अंदर जो एटीट्यूड है आपका, जिस जो 90% आपके नफ्स के ऊपर जो डोमिनेट करता है, उसको आपको इस तरह बनाना है कि वो आपको आपके बिहेवियर के ऊपर अच्छी तरह डोमिनेट करे, क्योंकि 10% 90% के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता है, आपका बिहेवियर भी बिगड़ा हुआ दिखेगा और आपका अंदरूनी भी बिगड़ा हुआ दिखेगा। नफ्स के ऊपर हमेशा काम करते रहना है बिकॉज वो 90% है, बिहेवियर खाली 10% है। अगर उसके ऊपर काम होगा तो सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी, हाई सेल्फ एस्टीम होगी, और सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी तो मुझे, मैं अपने आप को अच्छा लगने लगूंगा। अगर मैं अपने आप को अच्छा नहीं लगता हूं, मेरी सेल्फ एस्टीम लो है। अगर मेरा अपना ओपिनियन मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी सेल्फ एस्टीम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और जहां मेरी सेल्फ एस्टीम में अगर लो सेल्फ एस्टीम हुई, तो अल्लाह ने जो मुझे नेमतें दी है, अनगिनत नेमतें दी है, उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा, वो रिलीज होगी नहीं, मैं उड़ नहीं पाऊंगा, मैं एक पिंजरे के अंदर ही रहूंगा और मैं खुश रहूंगा। जैसे एक पक्षी होती है ना, एक एक्वेरियम के अंदर होती है, या एक 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 तोता रहता है अपने पिंजरे के अंदर रहता है, जब तोता उड़ता है तब उसके दिमाग में से बत्ती निकलती है, माय गॉड दुनिया इतनी बड़ी है, मैं तो समझता था दुनिया इतनी ही है बिकॉज उसने कभी दुनिया देखी ही नहीं है। अगर जिसकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, उसके लिए अल्लाह ने जितनी नेमतें दी है, सारी नेमतों के दरवाजे खुलेंगे और उसकी आंखें खुलेगी, उसकी रोशनी आएगी कि यह दुनिया इतनी बड़ी है और मुझे इतनी बड़ी दुनिया में जीना है और अच्छी तरह जीना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं होगा तो मुझे मेरे सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम करना है, सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर काम करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है। अगर ये सेल्फ एस्टीम अगर हाई हो गई तो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस सारे बढ़ते रहेंगे तुम्हारे, और ये सारी चीजें बढ़ती रहेगी, विजडम आप हासिल करते रहोगे एक बाय एक। उसके लिए एक बड़ा फंडा है, एक फॉर्मूला है, एक जाप्ता है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो जाप्ता एक ही सेंटेंस के अंदर है। अगर ये एक सेंटेंस अगर आपने आज इस लेक्चर के बाद में अगर आपके अंदर प्रोसेस कर लिया, और वही प्रोसेस अगर आपने अपनी औलाद में से, अपने नेबर में से, अपने एनवायरनमेंट में अगर ये प्रोसेस वहां तक पहुंचा दिया, तो मैं समझता हूं कि मेरा बोलना बहुत ही एक्सेप्ट होगा। और वो है आई कैन डू इट, कैन डू एटीट्यूड आएगा ही। अगर 90% आपका करेक्शन होगा तो आप कैन डू होगा, बड़ी चैलेंज होगी, बड़ा थ्रेट होगा आपकी चैलेंज और बड़ी, हाँ इंशाल्लाह कर पाऊंगा, आपके चेहरे की, आपकी आंखों की जो रोशनी है, स्पार्क निकलेगा अंदर से, आई कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत है, नहीं बहुत मेहनत है, देखेंगे, कोशिश करेंगे। आपने दरवाजे बंद कर दिए, आपने मेंटल ब्लॉक शुरू कर दिया दरवाजे बंद करने के लिए, डिफिकल्ट है लेकिन इंशाल्लाह चैलेंज के तौर पर मैं लूंगा और उसको कंप्लीट करूंगा, आई कैन डू इट। अब आपने दरवाजे खोले, अब आपने जैसे ही चैलेंज के दरवाजे खोले, करेज हौसला आया, और जैसे ही हौसला आया आपको कुदरतन रास्ता दिखते जाएगा, और जब रास्ता दिखेगा उसके ऊपर काम करोगे, आई कैन डू इट प्रूव हो जाएगा। बच्चे हमारे जो है स्टडीज के अंदर फेल यहीं पे होते हैं, उनके अंदर हौसला रहता है आई कैन डू इट, लेकिन वो हौसले को इंप्लीमेंट करने में बहुत मुश्किलें आती है। मैं तो यहां पे रहता हूं, मैं तो एक 4x10x10 की खोली में रहता हूं, मेरा बच्चा कहां डॉक्टर बन सकता है। अब माँ बाप भी उसके मेंटल को ब्लॉक कर देते हैं, उसकी जो पोटेंशियल है उसको ब्लॉक कर देते हैं कि नहीं कर पाएगा मेरा बच्चा। हिंदुस्तान की एक लड़की कल्पना चावला जो वड़ा पाव चांद लेके गई, चांद पे गई, वहां जाके उसने वड़ा पाव खाया, मेरा बच्चा नहीं कर सकता है, समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, क्योंकि उसके पास वो एटीट्यूड था कि मैं कर सकती हूं।
वो भी हिंदुस्तान की सरजमीन पे पैदा हुई थी लड़की। आपने जो पानी पिया वही, उसने भी पानी पिया, मैंने भी वही पानी पिया है, लेकिन उसके पास ये चीज थी कि आई कैन डू इट। उससे एक कदम और आगे बढ़ू तो आई कैन डू इट इंशाल्लाह। अगेन यू आर गेटिंग अ विजडम। तकलीफ बहुत आएगी, लेकिन हमारे आज के लेक्चर के बाद में मैं ये चाहता हूं कि आपकी दुआएं बदलनी चाहिए। अल्लाह मुझे तकलीफ मत दे। कितने बच्चे लोग हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के अंदर, कल एग्जाम में आ जाते हैं, डॉक्टर कुछ ऐसा करो ना कि एग्जाम कैंसिल हो जावे। ये कौन सा एटीट्यूड है? मैं मेरे बच्चे को इस तरह की सिखाना चाहता हूं। मैं आपसे भी चाहता हूं, अगर मेरी बात अगर आपके मन के अंदर उतरी, अगर दिमाग के अंदर उतरी, तो आप अपने बच्चे को भी दो कि अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे इतना एम्पावर कर कि मैं सारी चैलेंज को फान सकूं, सारी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकूं, तब जाके मैं तेरा विजडम हासिल कर सकूं। तकलीफ तेरी तरफ से आती, मैं तकलीफ को दूर करने की दुआएं नहीं मांगूंगा। तू तकलीफ दे, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं तकलीफ को फेस कर सकूं। यही तो हमने सीखा है करबला के दिन, रोजे आशूर, यही तो सीखा है। रीजन बे कजाई व तस्लीमन हम रही। एग्रीड, तूने दिया है, ग्रेसफुली एक्सेप्टेड, लेकिन उतना मुझे एम्पावर कर कि मैं चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकूं, उतना मुझे हौसला दे, और जब जाके विजडम हासिल होगी। ये कैन डू एटीट्यूड का मसला है। जितनी जितनी चैलेंज अपने बच्चे को सिखाने के लिए आप एक्सेप्ट करने को बताएंगे, उतना आपका बच्चा दुनिया की हस्ती बनता ही जाएगा। आईएएस आईपीएस में 1000 में एक बच्चा पास होता है, वो एक बच्चा भी हिंदुस्तान की सरजमीन पे बड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर ये एटीट्यूड है कि आई कैन डू इट। वो 1000 में से भी उभर के आता है। आपका और मेरा बच्चा क्यों नहीं इस कर सकता है? कर सकता है, प्रोवाइडेड कि हम हमारे बच्चे को ये पहले हम करें कि आई कैन डू इट, फिर ये प्रोसेस हम हमारे बच्चे के अंदर डालें, और फिर उसको बोले कि बेटा प्रिपेयर योर सेल्फ एंड गो एंड अपियर फॉर द एग्जामिनेशन एंड देन सी के टुमारो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ही और शी कैन ऑल्सो बिकम आईएएस और आईपीएस और व्हाटएवर ही और शी वॉन्ट्स टू बिकम। क्योंकि अभी पॉजिटिव थॉट इज अ सीड ऑफ ए पॉजिटिव रिजल्ट्स। एक सीड अपने दिमाग में, अपने बच्चे के दिमाग में एक सीड डालो पॉजिटिव की, और उसको बताओ कि बेटा ये पॉजिटिव की थिंकिंग है, ये पॉजिटिव की सीड आपके दिमाग में डाली गई है। सिर्फ सीड डालने से फसल नहीं उगती है, उसको बताना पड़ेगा, उसको मार्गदर्शन देना पड़ेगा कि बेटा इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, इसके ऊपर पैशनली वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेटेडली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक उसके अंदर पैशन नहीं आएगा, जब तक डेडिकेशन नहीं आएगा, तब तक वो कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकलेगा, क्लैरिटी मिलेगी ही नहीं मेरे बच्चे को। मुझे पॉजिटिव थॉट्स उसके अंदर डाल के उसको बताना है कि बेटा इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर मेहनत करनी है, इसके पीछे लगना है, इसके ऊपर फोकस होना है, तब जाके पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। क्योंकि 90% ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट। आपकी लाइफ का 90% बनाना है, ये ओवरनाइट नहीं हो जाएगा और एक दो सेंटेंस में मेरे बोलने से भी नहीं होगा। स्टिल मैं भी वो प्रोसेस में हूं, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। और जब तक उसको क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक उसके राइट एटीट्यूड नहीं होगा काम करने का, तब तक राइट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर राइट रिजल्ट नहीं आते तो मुझे पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सीड बराबर नहीं है। सीड बराबर है तो उसकी फर्टिलाइजेशन बराबर नहीं हुई है, उसको पानी को, पौधे को पानी नहीं दिया गया है, या उसके ऊपर सनलाइट नहीं आई है, मेरे बच्चे की मेहनत में कहीं ना कहीं कचास रह गई है। बच्चे लोग, आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ही आसान है, प्रोवाइडेड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, अदरवाइज सारे दरवाजे बंद है आपके लिए और मेरे लिए। जो भी कोई हार्ड वर्क नहीं करेगा वो सक्सेस का टेस्ट नहीं चखेगा। मुझे अपने बच्चे को
ये तालीम देनी है सारे कौम के बच्चे को कि बेटा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में मेहनत ज़रूरी है, फोकस ज़रूरी है, डेडिकेशन ज़रूरी है, सेक्रीफाइस ज़रूरी है। जब तक उसके ऊपर काम नहीं होगा पॉजिटिव एटीट्यूड की सिर्फ बातें होगी। नेक्स्ट प्लीज। पॉजिटिव थिंकर सीज द इनविजिबल एंड अचीव द इम्पॉसिबल। मैं इनविजिबल कब देख पाऊंगा? खाली पॉजिटिव थिंकिंग से आंख बंद करने से मुझे इनविजिबल नहीं दिखेगा, मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके बिटवीन द लाइंस जो मैसेज है वो मुझे समझ में आएंगे, तब जाके मैं इम्पॉसिबल हासिल कर पाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि मुझे डेडिकेशन होना पड़े, डेडिकेटेड होना पड़ेगा उसके लिए, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी के ऊपर अंदर तक जाना पड़ेगा, डेप्थ तक जाना पड़ेगा, तब जाके मेरे मेंटल ब्लॉक खुलेंगे, तब जाके नया विजडम आएगा, तब जाके आई कैन डू इट, मेरे अनकॉन्शियस लेवल की हैबिट बनेगी। मैं कॉन्शियसली बात करता हूं, हाँ मैं तो पॉजिटिव हूं, आई एम वेरी पॉजिटिव। स्टडी कितना टाइम करते हो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब आई एम वेरी पॉजिटिव, मैं कर लेता हूं, मेरे हिसाब से कर लेता हूं। दे डोंट हैव परफेक्ट आंसर बिकॉज दे आर नॉट परफेक्ट फ्रॉम विद इन। अगर मुझे मेरे बिहेवियर के अंदर रिफ्लेक्शन लाना है तो मुझे अंदर के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग यहां पे, हर एक लोग नोट चुपाटी गए होंगे, बॉम्बे की तो मशहूर जगह है, आपने वो फुग्गा देखा है जो ऊपर जाता है, वो रेड बलून जाएगा ऊपर, येलो जाएगा, ब्लैक जाएगा। डॉक्टर साहब आप क्या सवाल पूछ रहे हो? इट्स नॉट द कलर ऑफ द बलून, अंदर का जो गैस है ना वो फुगे को ऊपर लेके जाता है, अंदर का जो एटीट्यूड है वो मेरे बच्चे को ऊपर ले जाएगा। लाल और पीला और सफेद कोई मायने नहीं रखता है इसके लिए। और अगर वो गैस नहीं भरा मेरे बच्चे के अंदर, ये जो यहां पे जो फुगे मिलते रहते हैं, जो मुंह से फुगाते हैं, वो यहीं पे खेलते रहते हैं, वो ऊपर की हवा ही नहीं देखते, उसको पता ही नहीं चलता कि दुनिया क्या है। अगर मुझे मेरे बच्चे को अगर ले जाना है कामयाबी की सतह के ऊपर, कामयाबी की आसमान के ऊपर, मुझे उसके अंदर पॉजिटिव नाम का गैस भरना पड़ेगा। अगर मैं नहीं भर पाऊंगा तो फिर यही बच्चे लोग यहीं पे खेलते रहेंगे, ऊपर नहीं जा पाएगा। बिकॉज एटीट्यूड नॉट दी एप्टीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड। अगर वो एटीट्यूड होगा अंदर तो रेड फुग्गा हो, येलो हो, कुछ भी हो, अल्टीट्यूड पे जाएगा ही जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे अंदर वो हीलियम की गैस भरनी पड़ेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड भरना पड़ेगा उसके अंदर। इसके लिए मुझे डेडिकेशन, सेक्रीफाइस, फोकस, मेरे टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी। मेरे बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि बेटा टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर अभी इसलिए ले रहा हूं, अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं, अभी बच्चों के पास सोचने का टाइम है, समझने का टाइम है, अभी प्रिपरेशन का टाइम है कि आने वाली रेस जो है उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, पॉजिटिव बन जाओ, पॉजिटिव एंड स्टार्ट योर करियर। मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा कि हम लोग क्या करेंगे आपके लिए। नेक्स्ट प्लीज। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मेरे पास विल पावर है, मेरे इंटेंशंस है, मेरी नियत है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास सारी चीज के असेस है कि मैं कर सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं। उसके बाद भी मेरी फॉल्स बिलीफ सिस्टम है, और वो फॉल्स बिलीफ मेरी एक यकीन की सिस्टम है जो गलत है, और उस गलत को मैंने शकल दे दिया हूं त्रुट की कि हाँ मैं कर पाऊंगा। अरे मैं तो 9th में 10th में मैं तो रात में स्टडी करता था, सुबह जाता था 60% आ जाते थे। द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर इज नॉट अ लैक ऑफ नॉलेज बट रादर अ लैक ऑफ विल। ये विल पावर उसकी बिलीफ सिस्टम से इतना जुड़ा हुआ है, फॉल्स बिलीफ सिस्टम है, त्रुट नहीं है उस पर, लेकिन उसने ऐसा परसीव कर लिया है कि यही त्रुट है।
और फिर जब रिजल्ट्स आता है तब फेलियर का रिजल्ट्स आता है। ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हुआ? अल्लाह मेरे साथ भी क्यों करता है ऐसा? मेरे नसीब ही ऐसे है। उसमें से क्या क्या मेरे फॉल्ट्स हुए, कहां कहां मैं रॉन्ग गया, उसको करेक्ट करके मैं प्रेजेंट के ऊपर ले आऊं। मेरी वीकनेस क्या क्या थी पास्ट में, उसको मैं स्ट्रेंथ में कैसे बदलूं आज की तारीख के अंदर। और जब वो स्ट्रेंथ में बदले जाएगी तब जाके मेरा फ्यूचर आसमान पे जाएगा। लेकिन मैं तो, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है पीछे मुड़ के देखने का। मैं तो मेरे वीकनेस को भी स्ट्रेंथ समझ के बैठा हूं। ऐसे मेरे फॉल्स अजम्पशन है, ऐसे मेरी यकीन की सिस्टम है। हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा, मैं कर लूंगा। आपको 90% चाहिए ना, मिल जाएगा डैड, डोंट वरी, आई कैन डू इट। हाउ? दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। अरे ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे। एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर 0.5 marks ऊपर नीचे हो गया, आप ऊपर नीचे हो गए। मुझे मेरे पास को देखते रहने का है, उसके अंदर से वीकनेस निकालते रहने का है, फिर प्रेजेंट में उसको करेक्ट करने का है, तब जाके मेरा फ्यूचर सवर पाएगा। और मेरे को रिव्यू करते ही रहने का है, कॉन्स्टेंटली रिव्यू करने का है। जहां जहां मेरी वीकनेस है कोशिश करके उसको स्ट्रेंथ में बदलनी है। नेक्स्ट प्लीज। मुझे डिसाइड करने का है, या मुझे कली रहनी है या मुझे गुलाब का फूल बनना है। अगर मुझे गुलाब का फूल बनना है तो मुझे खिलना पड़ेगा, खिलने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे आसमान से जो धूप आती है उसको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, गर्म गर्मी है। बहुत से माँ बाप अपने बच्चे लोग कली से फूल में खिलने नहीं देते हैं। इतना ओवर पेम्पर, इतना ओवर नर्चर, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, कली ही रहेगा मेरा बच्चा। अगर मेरे बच्चे को गुलाब का फूल ब्लॉसम करना है लाइक फ्लावर, इतना बड़ा अगर फूल बनाना है, जब तक उसके ऊपर गर्मी नहीं पड़ेगी, हार्ड वर्क की गर्मी डालो उसके अंदर, पॉजिटिव थिंकिंग की गर्मी डालो, पैशन डालो, डेडिकेशन डालो, सेक्रीफाइस कराओ उसको। यू हैव टू सेक्रीफाइस, नो वे, आपको करना पड़ेगा। बट वो करना पड़ेगा भी, आप उस तरह उसके दिमाग में डालो कि वो खुद ही अंदर से बोले कि मैं करूंगा, करना पड़ेगा, प्रेशर से नहीं करूंगा। मेरा बच्चा कहाँ? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा तो 10-10, 11-11, 12 एक एक बजे तक भी मैं उठती हूँ तो भूखे पड़ते रहता है, नेट पे ही बैठे रहता है, सब नॉलेज निकालते रहता है। अब उस मम्मी को क्या मालूम बिचारी को कि नेट पे क्या करता है मेरा बच्चा। आई डोंट ब्लेम एवरी स्टूडेंट, बट दोज स्टूडेंट्स जो अपनी मम्मी डैडी को मैनिपुलेट करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देम। ये दूसरी एक मैंने स्लाइड बनाई हो, अगर ये 9 step हर एक स्टूडेंट ने, चाहे वो 9th का स्टूडेंट हो, 8th का हो, 10th का हो, 11th, 12th, एनी स्टूडेंट्स, अगर ये 9 step पे, अगर फॉर्मूले पे अगर उसने काम कर लिया, मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको वादा करता हूं कि आपके परसेंटेज जंप करेंगे, जंप करेंगे, और आप जो चाहते हो वो मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ 9 step पे अगर आप काम कर लो, ये 9 step के ऊपर काम करोगे तो मेरा एटीट्यूड अंदर से बदल ही जाएगा, 100% बदलना ही चाहिए, ये यूनिवर्सल लॉ है। ये 9 step में, फर्स्ट स्टेप में सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, मेरे पास मोटिवेशन होना चाहिए, मैं करूंगा, कर पाऊंगा, अंदर से इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद में मैंने पहले ही बताया कि इच्छाओं से काम नहीं चलेगा, उसके लिए मेरे को एफर्ट्स देने ही पड़ेंगे, मुझे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन काम करना ही पड़ेगा उसके ऊपर। जब तक मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा, मोटिवेशन मेरा कोई काम का नहीं आएगा। जब तक मैं एफर्ट्स डालूंगा, एफर्ट्स डालने के बाद में ही मुझे पता चलेगा, तब एनालिसिस होगा, मेरे दिमाग में एनालिसिस होगा, अरे हाँ, दिस इज माई वीकनेस एंड दिस इज माई स्ट्रेंथ। एफर्ट्स करूंगा, मैं किताबें खोलूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि ये वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता है, एनालिसिस होगी मेरी, इंट्रोस्पेक्ट होगा कि हाँ यार ये नहीं आता, ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं। जब एनालिसिस होगी तब आपको पता चलेगा कि ये मेरी वीकनेस है, ये मेरा स्ट्रेंथ है। और मेरी वीकनेस बहुत ज्यादा है तो मुझे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मुझे मेरे टाइम को कैप्चर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेरे टाइम को टाइम पे लगाना पड़ेगा सही जगह पे। जब वो सही जगह पे लगेगा तो मैं डिसिप्लिन हो जाऊंगा, ये एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। जब डिसिप्लिन हो जाऊंगा तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होते ही जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आया,
मुझे पीछे मुड़ के देखने का आएंगे, मेरे डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मेरे एनालिसिस में प्रॉब्लम है, मेरे एफर्ट्स के अंदर प्रॉब्लम है। अगर मेरी डिसिप्लिन है तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, क्योंकि मैंने किताबें खोली है, मैंने आंसर को रीड किया हूं, मैंने आंसर को अंदर अंदर डाइजेस्ट किया हूं, अपने अंदर जस्प किया हूं। मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर आना है कि इंशाल्लाह अभी तो मैं कर लूंगा, आई कैन डू दिस। ये कॉन्फिडेंस लेवल आएगा उसके बाद में ही डेवलपमेंट होगा, और जब डेवलपमेंट होगा फिर रीवैल्यूएशन होगा कि अब तो ये हो गया, अभी छोटी छोटी जो मिस्टेक है, छोटी छोटी जो वीकनेस है, उसको भी मैं अपने आप से इवैल्यूएट करूं। और जब वो इवैल्यूएशन होएगा और उसमें जब आपका परफेक्शन आ जाएगा, तब आपको लगेगा कि यस नाउ आई एम मास्टर। और जब आप मास्टर बनोगे तब जाके आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर आओगे। और यहां पर आ गए, मैं आपको भी गुजारिश करता हूं कि यू ऑल्सो प्रे फॉर मी, और मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह सारों को यो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज पे ले आए। कोई मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बट मेरे को ये बहुत ही 9 स्टेप जो है बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही ईमानदारी से इसके ऊपर काम करना है। अगर मुझे मेरा एटीट्यूड बनाना है तो, अगर मुझे एटीट्यूड से रिफ्लेक्शन 10% बिहेवियर में लाना है, ये लाइफ में किसी भी एरिया के अंदर आप ये ले जाओ 9 स्टेप, इंशाल्लाह आपको काम। मैं तो यहां पे मेरा फोकस बच्चों है कि बच्चे लोग आप स्टडीज के अंदर ये चीज इंप्लीमेंट करो एंड देन सी पॉजिटिव एटीट्यूड किस तरह आता है अंदर। नेक्स्ट प्लीज। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिकम्स इजियर विद सेल्फ मैनेजमेंट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। मुझे जो मैंने बताया वो सेल्फ मैनेजमेंट ही है। जब सेल्फ मैनेजमेंट होगा तो स्ट्रेंथन अवर स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली, मैं अपने स्ट्रेंथ को हमेशा कंटिन्यूसली और प्रोसेस करके और री इन्फोर्स करके स्ट्रेंथ करता ही रहूंगा। अगर ये नहीं किया तो मैं मेरे वीकनेस को और वीकेंड करते जाऊंगा, मेरी जो कमजोरी है उसको और कमजोरी में तब्दील करते जाऊंगा, और फिर ब्लेम की गेम शुरू हो जाएगी। मेरे नसीब में नहीं था, ऐसा हुआ, मेरे घर में 2 डेथ हो गई, मेरे घर में तो 2 शादी थी, मेरे को यहां पे एडमिशन नहीं मिला, इसके लिए हुआ। बहुत सारी बातें होती ही रहती है। वो नोट्स तैयार नहीं थी, एक्स वाई जेड कुछ भी होते रहेगा, ब्लेम गेम होते रहेगी। लेकिन अगर मैंने सेल्फ मैनेजमेंट पे ऊपर काम किया, मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड से काम किया, तो मैं मेरी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ में बदलते ही रहूंगा, एंड दैट इज व्हाट नीडेड। नेक्स्ट प्लीज। अभी जो बताता हूं कि बच्चे लोग को अभी वैकेशन होने वाला है, उस वैकेशन के अंदर 24/60=1440 मिनट्स होते हैं। इतनी 24 घंटे की मिनट मेरे पास अल्लाह ने मुझे नेमत के तौर पे दिया है। मैं पहले अंदर से इस ख्वाहिश को निकालूं, मोटिवेट करूं अपने आप को कि मुझे रीडिंग करनी है। वाओ, वेकेशन, सब किताबें बंद, एंजॉयमेंट शुरू। होल्ड, एंजॉय करो, मना नहीं है, लेकिन 1440 मिनट में से 10% आप हमको दे दो। आप डेली ईमानदारी से आप उसके ऊपर स्टडी करो एंड गुड रीडिंग करो, जो भी आपको अच्छी लगती है, गुड रीडिंग, एंड देन यू सी कि यू आर फोकसिंग योरसेल्फ। आप इमोशनली स्टडी से डिस्कनेक्ट नहीं हो जाओगे। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप वेकेशन मत इंजॉय करो, रिक्रिएट मत करो अपना, वेकेशन होता ही रिक्रिएशन के लिए। उसका मकसद ये है कि आप थोड़े दूर हो जाओ स्टडीज के माहौल से, एंड यू इंजॉय योरसेल्फ, एंड देन यू कैन फ्रेशली आप वापस कर सकोगे। बट स्टिल आई एम रिक्वेस्टिंग कि गुड रीडिंग जो है एज पर योर फ्यूचर, आप 10% खाली उसमें से टाइम दो, क्वालिटी टाइम, बहुत अच्छा लगेगा। आप इंप्लीमेंट करके देखना, एंड देन यू सी द रिफ्लेक्शन इन यू ओनली। नेक्स्ट प्लीज। If you are seriously about securing success, goal setting ये time में कर लो। Goal achievable होना चाहिए, attainable होना चाहिए, और मैं attain कर सकूँ, मैं हासिल कर सकूँ, ऐसे goal बनाऊँ। ये time है, most important,
बच्चे लोगों के पास गोल होता ही नहीं है। अगर आपको नहीं समझता है कि मैं गोल सेट कैसे करूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जो आई एम कंफ्यूज, मुझे नहीं समझता है कि मैं क्या करूं आगे, डॉक्टर माचिस वाला काउंसलिंग सेंटर, डॉक्टर यूसुफ माचिस वाला ही हिमसेल्फ हैज मस्ट हैव स्पोकन टू 1000 टाइम्स कि बच्चे लोग आई एम हियर टू हेल्प यू, मेरा पूरा काउंसलिंग सेंटर, हमारी पूरी टीम आपके लिए है, हाजिर है, इररिस्पेक्टिव फॉर एनीबडी, आप लोग आ सकते हो हमारे पास, टेक अवर हेल्प, वी विल गाइड यू कि आपका गोल किस तरह सेट करना। हम लोग के पास, हमारे पास सीरीज ऑफ टेस्टिंग है, हम आपकी टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट, आप कहां पर, आपकी कहां पर वीकनेस है, आपकी स्ट्रेंथ कहां पर है, आप लाइफ में कहां पहुंच सकते हो। लेकिन फिर आपके पास अगर मोटिवेशन होगा, आप हमारे पास आओगे। कई बार ऐसा होता है कि गोल नहीं मिलता है बच्चों को, कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज रहते हैं, पियर ने ऐसा बोला, दोस्तों ने ऐसा बोला, इंजीनियरिंग ले ले, उसने ऐसा बोला, नहीं तेरी तो कैपेसिटी डॉक्टर बनने की, वो बोलता है नहीं तू तो इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा, तेरे पास तो बहुत सारे दिमाग है, वो खुद बच्चा बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं सिवाय अकाउंट्स के, इतने सारे मसाइल, इतने सारे जैसे मैंने आगे बताया कि समंदर के अंदर जो बर्फ होता है वो एक ही लेवल का होता है, सारी जगह से पानी आता है, सारी जगह से मच्छियां आती है, डिफरेंट आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैसेज आते हैं, डिफरेंट लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन देते हैं, एडवाइस देते, सजेशन देते, बच्चा क्या करे, डोंट गेट कंफ्यूज, वी आर हियर टू हेल्प यू। नेक्स्ट प्लीज, इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव स्पीकिंग, इफेक्टिव रीडिंग, इफेक्टिव राइटिंग, इंप्रूविंग मेमोरी, अगर ये सारी चीजें होगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप स्टडीज के अंदर बहुत ही अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट प्लीज, अब ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं ये छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैं ये इसका क्रेडिट मेरे भाई साहिल जो मेरे साथ काम करते हैं और हम लोग ने बहुत ही पूरी टीम ने मिलकर बनाई है और उसमें साहिल का बड़ा योगदान रहा है, बड़ा ही इज़ अ वेरी गुड यंगर ब्रदर ऑफ माइंड, बहुत मेरी सारे प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत ही डिस्कशन होता है हमारा कि बच्चे लोग को प्रेजेंटेशन में क्या बोलना चाहिए, इज़ वेरी हेल्पफुल टू मी, थैंक यू वेरी मच साहिल, मौला आपकी सारी तमन्नाएं पूरी करे। एक छोटी सी स्टोरी है, एक छोटा सा फ्रॉग रहता है, मेंढक, उसके दिमाग में आती कि मैं सारे मेंढक को जमा करूं और हम लोग एक रेस लगा दें, वो सारे मेंढक को जमा हो जाता है और वो लोग ने रनिंग कंपटीशन लगाया, रनिंग कंपटीशन लगाने के बाद में एक बड़ा टावर है, उस टावर पे आपको चढ़ना है, आप समझ लो कि एक ग्रुप ऑफ टाइनी फ्रॉक्स टेटपोल, उन्होंने डिसाइड किया कि हम भागेंगे, उसके बाद में एक बड़े टावर के ऊपर जाएंगे, जो सबसे टावर के ऊपर पहुंच गया ही इज अ विनर। अब इन्होंने डिसाइड किया, बहुत सारा क्राउड जमा हो गया कि ये कैसे होगा, ये फ्रॉग लोग ऊपर टावर पे कैसे चढ़ेंगे, पॉसिबल नहीं है। अब ये क्राउड में बातें होते रहती है, ये पॉसिबल नहीं होने वाला है, ये फ्रॉग कैसे चढ़ सकते हैं, ये दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, अपनी एनर्जी खाली वेस्ट करते हैं। ये सुनने से जो थोड़े जो जहीन लोग थे ना फ्रॉग, अपने आप को जहीन समझते थे, वो वहीं से निकट लिए कि बॉस ये रेस में कोई जाने, ये लोग सब लोग बोलते हैं नो बडी इज इन आवर फेवर, और ये इतने लोगों अगर बोलते हैं तो कुछ तो सही बात होगी, तो ये लोग तो बोलते हैं वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, वहां तक इतना टाइम देना, इतनी एनर्जी, भागना करना और ऊपर तक तो कोई पहुंचने वाला नहीं, ये सब एक्सपीरियंस लोग बोलते हैं। ये कुछ फ्रॉग वहीं से निकल लिए और कुछ जो जिनके पास एंथुजियाज्म था कि हाँ मैं कर लूंगा, कैन डू इट एटीट्यूड था उसके पास, सबके पास था, सब ने भागना शुरू किया और जैसे ही भागना शुरू किया ना, क्राउड ने बोला कि ये क्या बेवकूफी है, क्राउड में से तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था कि ये चढ़ पाएंगे, जितने फ्रॉग भाग रहे थे
वहां तक टावर तक पहुंचने तक भी थोड़े वहां से और डिडक्ट हो गए कि ये टावर तक नहीं, खाली खाली मतलब देख लिया हमने, भाग के भी देख लिया, नहीं चढ़ पाऊंगा। और फिर टावर के करीब जो थे लोग वो और चिल्लाने लगे, अरे बोले बेवकूफ लोग, कुछ नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं हो सकता है लाइफ में, हमारा एक्सपीरियंस है, एक बंदा नहीं चढ़ पाता ऊपर, एक एक फ्रॉग, नॉट अ वे, सिंगल वे, ऐसा कोई रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं दिखती कि कोई चढ़ जावे। अब ये सारी बातें फ्रॉग सुन रहे, सब मेंढक सुन रहे कि इतना बड़ा टावर है, इतना हाई टावर है, नहीं चढ़ पाएंगे। उसमें से और भी डिडक्ट हो गए और एक 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 उसमें से गिरते गया, थकते गया, हटते गया, थकते गया, हटते गया, थकते गया, हटते गया। उसमें से क्या हुआ, जो जिसके पास एकदम फुल एंथुजियाज्म था वो हायर ना हायर चढ़ते गए, लेकिन एक लेवल के बाद में और भी डिडक्शन हो गया, अब चंद बच गए। और यहां से तो यही आवाज आता, बोले नहीं कर पाएंगे, उतना तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। और ये सारे नेगेटिव सुनते सुनते जो जो थोड़े जो बचे हुए थे, जिनके पास जो ताकत जो बहुत ही एंथुजियाज्म थे, उसमें से भी एक दो डिडक्ट हो गए और सारे थक गए। अब एक जो था, एक, उसके पास इतना एंथुजियाज्म था कि उसका फोकस सिर्फ ऊंच था, ऊंचाई थी। वो भागते भागते न थकने को देखता था वो, न किसी को देखता था, उसने जाके ऊपर टच कर लिया। अब जितने भी फ्रॉग थे अपनी बिरादरी में, वो लोग बोले कि क्या थी यार, हम लोग तो शुरू करने के पहले निकल गए, कुछ लोग शुरू और जो जो हमारी बिरादरी के जो एथलेट्स लोग थे, जो बड़ी बड़ी जंप लगाते थे, वो भी वहां के पहुंचने के पहले वो लोग भी थक गए। इसके पास क्या ऐसी चीज थी, कुछ तो होगा कि जिसको वहां तक ले गया। उन्होंने पूछा कि क्या था तेरे पास, जब वो लोग बात करते थे तो वो लोग को पता लगा जो विनर था वो बहरा था, उसके पास कान, वो सुन नहीं सकता था। जब सुन नहीं सकता था तो उसने सारी एनर्जी जो ऊपर लगाई थी। ये लोग, कुछ लोग जो हट गए वो पब्लिक के नेगेटिविटी से हटे कि नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। उन्होंने जो नहीं कर पाओगे बोला ना, उन्होंने परसेप्ट कर लिया कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा। ये जो जीतने वाला था उसके पास तो सुनने की सलाहियत ही नहीं थी कि इनकी बातें सुनता। अगर मुझे कामयाब होना है तो मेरे इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है जो बातें फैलाती रहती, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, और मैं डिफ्यूज होते जाता हूं, मेरी जो एनर्जी है वो ड्रेन होते जाती है कि हाँ यार ये बोलते हैं, बराबर बोलते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। चार लोगों ने बोला नहीं कर पाऊंगा, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे होते हैं, उनको नहीं पता, अनकॉन्शियसली वो लोग बोलते हैं नहीं कर पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है। अगर मेरे पास पॉजिटिव एटीट्यूड अंदर 90% है, जो ये फ्रॉक के पास था, उसका सिर्फ फोकस था मुझे सुनना है सबकी बात, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट मुझे मेरा जो दिमाग बोलता है वो ही करना है, मेरी जो पोटेंशियल है वहां तक पहुंचना है, मैंने गोल बना लिया है, मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। वो फ्रॉग डेफ था, मैं कान वाला हूं, मुझे सुनना है, उसकी एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करनी है। अगर ये मेरे अंदर एटीट्यूड होगा कि मुझे अंदर, ये मैंने पहले ही बताया, अगर एटीट्यूड होगा आपके अंदर चैलेंज एक्सेप्ट करने का ताकत आ जाएगी। जब चैलेंज एक्सेप्ट करने की ताकत आएगी, हौसला, करेज आएगा आपके अंदर, और जब करेज आएगा अल्लाह की मदद आएगी, बिकॉज आप अशरफुल मखलूका, तो आपको अल्लाह मदद करेगा वहां पहुंचने की, जैसे ये फ्रॉग को किया। फ्रॉग डेफ था, मैं डेफ नहीं हूं। फ्रॉग ने एक्सेप्ट नहीं किया उसकी, लोगों की नेगेटिव एनर्जी, मैंने मेरी नेगेटिव एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करनी है, लोगों की नेगेटिव एनर्जी नहीं एक्सेप्ट करनी, पॉजिटिवली जो मैं अंदर हूं फोकस करूंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं मेरे ड्रीम्स को हासिल कर पाऊंगा। अगर मैंने उनकी सुन ली, नेगेटिव बातें अगर मुझे इफेक्ट करने लगी, मेरे एक्शन के अंदर फर्क आ जाएगा, मेरे बिहेवियर के अंदर फर्क आएगा ही आएगा, मैं थोड़ा बैक हो जाऊंगा। और अगर मैंने उनका सुना और एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने बोल दिया मैंने सुन लिया, लेकिन मैं मेरी धुन में चला गया,
कामयाबी मेरे कदम चूमेगी चूमेगी चूमेगी, लोगों के चूमती है तो मेरे क्यों नहीं चूमेगी, प्रोवाइडेड कि मुझे अंदर से पैशनेट होना चाहिए, अंदर से मेरा यकीन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए कि जो मैं करता हूँ मैं मेरा इल्म हासिल करके रहूँगा और करूँगा। और ये करके फिर जो आपकी सफ़र शुरू होगी इल्म की, ये पहले अंदर जज्बा होना चाहिए, जैसे मैंने 9 स्टेप बताया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बिल्कुल करेंगे। नेक्स्ट प्लीज, देयरफॉर बी ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, मैं कर सकूंगा, मैं कर लूंगा, मैं करता हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, आपको करना है, सिर्फ सोचना नहीं है। एंड अबाउ ऑल, नेक्स्ट, ऑलवेज थिंक आई कैन डू इट। ये अगर एक मंत्र आ गया कि आई कैन डू इट, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कर पाऊंगा। आई कैन डू इट और मेरे पास रास्ता नहीं है, तो फिर एक ही एड्रेस है, डॉक्टर माचिस वाला काउंसलिंग सेंटर। हम आपको रास्ता बताएंगे, हम आपको अंदर से मोटिवेट करेंगे कि हाउ यू कैन डू इट, व्हाट यू कैन डू इट, वेयर यू कैन डू इट, दैट इज अस। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मैंने जो बताया हूं, कोशिश करना कि उसको प्रोसेस करना अपने दिमाग के अंदर, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना, और अगर अच्छा लगे अपने बच्चे लोग को भी देना ये बातें। बहुत ही मेहनत करके ये प्रेजेंटेशन बनाया है, और बच्चे लोग खास करके आप लोगों के लिए, कि आप लोगों की लाइफ, ये जो फ्रॉक का जो मैंने एग्जांपल बताया ना, आपके अंदर फुल एनर्जी है, आपकी नई नई, अल्लाह ने आपको ये नेमत दी है, जवानी का पीरियड बहुत ही एंथू रहता है, अगर उसको पॉजिटिव में इस्तेमाल करेंगे तो आप उस जो फ्रेश फ्रॉक जो था वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचा। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि सारे बच्चे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचे, और फिर भी कुछ तकलीफ है तो डॉक्टर अली अकबर गबरानी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।